होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड ये क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड, कि दी गई पाथ डायरेक्शन में, कोई एक गिवन पाथ डायरेक्शन है, उस गिवन पाथ डायरेक्शन में राइट साइड में आने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो एनक्लोज्ड कहलाते हैं। बात आ रही है समझ में? दी गई पाथ डायरेक्शन में, जो आपको पाथ डायरेक्शन दी गई है उसमें राइट साइड में आने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे एनक्लोज्ड पॉइंट, राइट। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आपको पाथ दिया गया है, राइट, यहाँ ये पाथ डायरेक्शन दी गई है। सपोज यहाँ हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं, मैं तीन पॉइंट बना लेता हूँ, सपोज दिस ए, दिस पॉइंट इज बी और दिस पॉइंट इज सी। तीन पॉइंट हमें दिए गए हैं, इन तीन पॉइंट में पूछा गया है कि कौन से पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट होंगे और कौन से पॉइंट एनक्लोज्ड नहीं होंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड क्या कहता है, दी गई पाथ डायरेक्शन में राइट साइड में आने वाले पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट कहलाते हैं। जैसे ये दो जो पाथ डायरेक्शन दी गई है, इस पाथ डायरेक्शन में यदि मैं चलता जाऊं तो राइट साइड में आने वाले देखते हैं हम कौन कौन से पोल, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं चलना, मैं यहां से यहां इधर इस तरह से मूव होता हुआ दोबारा से इसी पॉइंट पर आता हूं, तो देखिए दी गई पाथ डायरेक्शन, ये पाथ डायरेक्शन है, मैं उसी पाथ डायरेक्शन पर चल रहा हूं, इसमें राइट साइड में क्या सी पॉइंट इस पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आ रहा है? बिल्कुल, मैं यहां से मूव होना स्टार्ट हुआ वाया दिस पाथ, आई एम गोइंग टू ऑन दिस वे, तो ये जो पॉइंट सी है ये पॉइंट राइट साइड पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट सी है वो क्या हो गया, एनक्लोज्ड पॉइंट। दी गई पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आने वाले सारे पॉइंट्स एनक्लोज्ड पॉइंट कहलाते हैं। मैं यहां से मूव होता हुआ इस पॉइंट पर आया, यहां आया, जब मैं इस डायरेक्शन में आया तो अब ये जो पॉइंट ए होगा ये इस दी गई पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आने वाला पॉइंट है। यदि ये पॉइंट राइट साइड में आने वाला है तो क्या हम बोलेंगे कि जो ए पॉइंट होगा वो ए पॉइंट भी एनक्लोज्ड पॉइंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, कि भाई ये जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, ऐसे मूव होता हुआ दोबारा से इसी पॉइंट पर आता हूं, तो देखिए दी गई पाथ डायरेक्शन, ये पाथ डायरेक्शन है, मैं उसी पाथ डायरेक्शन पर चल रहा हूं, इसमें राइट साइड में क्या सी पॉइंट इस पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आ रहा है? बिल्कुल, मैं यहां से मूव होना स्टार्ट हुआ वाया दिस पाथ, आई एम गोइंग टू ऑन दिस वे, तो ये जो पॉइंट सी है ये पॉइंट राइट साइड पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो दी गई पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आने वाले सारे पॉइंट लाते हैं। मैं यहां से मूव होता हुआ इस पॉइंट पर आया, यहां आया, जब मैं इस डायरेक्शन में आया तो अब ये जो पॉइंट ए होगा ये इस दी गई पाथ डायरेक्शन के राइट साइड में आने वाला पॉइंट है। यदि ये पॉइंट राइट साइड में आने वाला है तो क्या हम बोलेंगे कि जो ए पॉइंट होगा वो ए पॉइंट भी एनक्लोज्ड पॉइंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, कि भाई ये जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, ए पॉइंट जो है वो भी हो गया एनक्लोज्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की, कि क्या पॉइंट बी एनक्लोज्ड पॉइंट होगा या ये पॉइंट नॉट एनक्लोज्ड होगा। तो अब देखिए मैं इस पाथ डायरेक्शन में जैसे जैसे गया, जैसे मैं यहां से मूव होना स्टार्ट हुआ, पॉइंट सी राइट साइड में था लेकिन पॉइंट बी कहां मिला मुझे, लेफ्ट साइड में। सिमिलरली मैं वाया दिस पाथ जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो ए पॉइंट राइट साइड पर मिला जबकि जो बी पॉइंट लेफ्ट साइड में, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बी पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में है और यदि ये लेफ्ट साइड में है तो ये पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं होगा, नॉट एनक्लोज्ड। बात आ रही है समझ में, तो दी गई पाथ डायरेक्शन में राइट साइड में आने वाले पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लाइक देखिए एक और एग्जांपल हमने क्या लिया, सपोज ये आपको एक पाथ डायरेक्शन दी गई है, यहां पाथ डायरेक्शन मुझे दे दी
इस तरह से, वही तीन पॉइंट बोल दिए इसने, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसने पूछा ए बी और सी इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट तो एंक्लोज्ड होंगे और कौन से पॉइंट एंक्लोज्ड नहीं होंगे। तो मैं दी गई पाथ डायरेक्शन में चलता हूं, राइट साइड में आने वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, एंक्लोज्ड हो जाएंगे, अदरवाइज जो भी पॉइंट होंगे जो लेफ्ट साइड में होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉट एंक्लोज्ड। मैं इस पाथ डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, सपोज मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, मैं यहां से चल रहा हूं, मैं इस पाथ डायरेक्शन ये दी गई है, ठीक है, क्लॉकवाइज पाथ डायरेक्शन दी गई है, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया तो राइट साइड में आने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे एंक्लोज्ड पॉइंट। देखिए ये पॉइंट जब मैं यहां पहुंचा तो जो बी पॉइंट है वो राइट साइड में मिल रहा है, जबकि जो ए पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं राइट साइड में आने वाले पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट होंगे, मतलब ये पॉइंट जो है वो तो हो गया एंक्लोज्ड पॉइंट। बात आई समझ में? यदि मैं पॉइंट ए की बात करूं तो जो पॉइंट ए है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो यदि ये लेफ्ट साइड है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं हुआ। राइट, मैं बात करता हूं अब सी पॉइंट की। मैं इस पाथ से जा रहा था, यहां होता हुआ मैं जब यहां इस पॉइंट पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जो सी पॉइंट वो किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, जबकि जो बी पॉइंट था वो राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो हमने बोल दिया कि ये तो एंक्लोज्ड है, जबकि जो सी पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड हो गया, दैट मींस ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, नॉट एंक्लोज्ड। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंक्लोज्ड पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट होगा और कोई पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं होगा। अब यहां से हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आपको एक पोलार प्लॉट दिया गया है, राइट, उस पोलार प्लॉट से आपसे पूछा गया है कि सिस्टम कब स्टेबल होगा और कब स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट, एक आपको कोई पोलार प्लॉट दिया गया है, ठीक है, पोलार प्लॉट से पूछा गया है कि क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल कब होगा और क्लोज्ड लूप सिस्टम अनस्टेबल कब होगा। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल कब होगा, जबकि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट। देखिए पोलार प्लॉट हमें पता है किस किस के बीच में होता है, हमने कल देखा था लास्ट क्लास में कि एक तो हम लेते हैं रियल पार्ट ऑफ जी एच और एक एक्सिस लेते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच। रियल पार्ट ऑफ जी एच पर हमेशा रियल वैल्यूज मिलती हैं, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एच पर इस एक्सिस पर हमें इमेजिनरी वैल्यूज मिलती है। तो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, देखिए इमेजिनरी पार्ट तो हो गया जीरो, जबकि जो रियल पार्ट है वो कहां है, माइनस नेगेटिव एक्सिस पर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट यहां कहीं रहेगा, माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट। बात आई समझ में? तो पोलार प्लॉट से हम बताते हैं कि क्लोज्ड लूप सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल होगा, जबकि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं हो। जब माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं होगा, नॉट एंक्लोज्ड, तब जाकर सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट को एंक्लोज्ड नहीं होना है, यदि ये पॉइंट एंक्लोज्ड हो गया तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। बात आई समझ में? तो पोलार प्लॉट से हम बता सकते हैं कि क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल कब होगा, जबकि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एंक्लोज्ड पॉइंट नहीं हो। अब ये किस तरह से हम निकालते हैं वो देखिए। मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस, आपको पोलार प्लॉट कुछ इस तरह से दिया गया। देखिए ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि सिस्टम का टाइप जीरो है, टाइप जीरो है तो ये कहां से स्टार्ट होता था, यहां से। यदि टाइप वन है तो सिस्टम कहां से स्टार्ट होता था, यहां से। ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पर और ये हो गया ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर। मतलब ये किस तरह का सिस्टम हो गया, टाइप वन सिस्टम।
ऑर्डर की हम बात करते हैं, यदि ऑर्डर वन है तो सिस्टम कहां वैनिश होता था? सिस्टम इस पॉइंट पर आकर वैनिश हो जाता था। यदि ऑर्डर टू है तो सिस्टम कहां वैनिश होता है? यहां वैनिश हो जाएगा। और यदि ऑर्डर थ्री है तो सिस्टम कहां वैनिश होगा? सिस्टम इस पॉइंट पर आकर वैनिश हो जाएगा। तो यदि आपको इस तरह से प्लॉट दिया गया है, आपको इमेजिनरी एक्सिस दे दी, रियल एक्सिस दे दी, आपसे पूछ सकता है कि किस तरह का सिस्टम है, टाइप जीरो है, टाइप वन है, या ऑर्डर वन है, टू है, थ्री है, किस ऑर्डर का ये सिस्टम है। तो इस तरह से हम पोलर प्लॉट को देख के बता सकते हैं कि ये टाइप वन है, टाइप जीरो है, टाइप टू है, ऑर्डर वन है, टू है, थ्री है, व्हाटएवर द वैल्यू, राइट। अब यहां से इसने पूछा है, ये इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इसने एक पॉइंट दिया गया है जो कि क्या कर रहा है, आपकी रियल एक्सिस को के अपॉन सिक्स, कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, के अपॉन सिक्स पॉइंट पर कट कर रहा है। अब इसने पूछा है कि के की क्या वैल्यू रखी जाए कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम रहे। हमें पता है, जैसे हमने रूट लोकस में देखा था, जैसे जैसे हम पैरामीटर के की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ सकता है जब उसके रूट आरएचपी में लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसने पूछा है कि मैं गेन जो है के, इसकी वैल्यू को कितना रखूं कि सिस्टम स्टेबल रहे। तो हमने यहां से देखा, पोलर प्लॉट में हमने स्टेबिलिटी देखी कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल कब होगा, जबकि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एनक्लोज पॉइंट नहीं हो। मतलब यदि मैं इस पाथ डायरेक्शन में, यदि मैं इस पाथ डायरेक्शन में चलूं, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज में पढ़ा कि दी गई पाथ डायरेक्शन में चलने पर राइट साइड में आने वाले पॉइंट जो होंगे वो कहलाते हैं एनक्लोज्ड पॉइंट, जबकि जो पॉइंट लेफ्ट साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉट एनक्लोज्ड। मैं इस पाथ डायरेक्शन पर चला, इस पाथ डायरेक्शन में जो भी ये पॉइंट है वो क्या हो गए, एनक्लोज्ड पॉइंट हो गए। मैं इस पाथ डायरेक्शन में चला तो ये जो भी पॉइंट होंगे ये क्या हो जाएंगे, एनक्लोज्ड पॉइंट। यहां तो सारे के सारे पॉइंट हो गए एनक्लोज्ड पॉइंट, बात आई समझ में, ठीक है। जबकि जो लेफ्ट साइड के पॉइंट होंगे, लेफ्ट साइड के पॉइंट क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉट एनक्लोज्ड, नॉट एनक्लोज्ड। पोलर प्लॉट से हम स्टेबिलिटी क्या बोलते हैं कि जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो नॉट एनक्लोज्ड होना चाहिए, एनक्लोज्ड नहीं होना चाहिए। यदि ये माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ, वो कहीं यहां इस एक्सिस पर के बाई सिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों? यदि ये के बाई सिक्स पॉइंट के राइट साइड में एग्जिस्ट कर गया तो ये एनक्लोज्ड पॉइंट हो जाएगा। यदि ये एनक्लोज्ड पॉइंट हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो यदि सिस्टम स्टेबल चाहिए हमें तो माइनस वन प्लस जे जीरो जो पॉइंट है वो इस के बाई सिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बात आई समझ में। मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के बाई सिक्स का, सपोज कीजिए ये हो गया माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट, यहां कहीं रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है, माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट ये यहां लाई कर रहा। मीनिंग क्या हुआ कि के बाई सिक्स जो मैग्नीट्यूड है वो इस वन से कम होना चाहिए। हमने बोला सिस्टम स्टेबल चाहिए, सिस्टम स्टेबल चाहिए, माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट एनक्लोज्ड नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वो इस के बाई सिक्स के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यदि ये लेफ्ट साइड में हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस के बाई सिक्स से ज्यादा होगा। यदि सिस्टम स्टेबल है, फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी के बाई सिक्स जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन से कम होना चाहिए, क्योंकि जब ये कम होगा तभी ये माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट यहां रह पाएगा, और जब माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट यहां रहेगा तभी सिस्टम स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो के बाई सिक्स जो है इसकी वैल्यू एक से कम होना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ, के जो है उसकी वैल्यू लेस देन सिक्स होनी चाहिए। के सिक्स से यदि कम होगा तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी के बाई सिक्स इज लेस देन वन, दैट मीन्स के शुड बी लेस देन वन। यदि के की वैल्यू सिक्स से ज्यादा हो गई तो अब सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, बात आई समझ में। के लेस देन सिक्स होगा तो ही सिस्टम स्टेबल होगा, यदि के की वैल्यू सिक्स से ज्यादा हो गई तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, बात आई समझ में।
कोई दिक्कत। इस तरह से हम बताते हैं कि यदि आपको पोलार प्लॉट दिया गया है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोज्ड से बताते हैं कि सिस्टम कब स्टेबल होगा और कब सिस्टम अनस्टेबल होगा। देखिए एक और एग्जांपल यदि हम देखें, सपोज आपको एक पोलार प्लॉट दिया है, इस तरह से आपको कोई पोलार प्लॉट दिया, ये ओमेगा इक्वल टू जीरो, ये ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, वो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जहां ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट हो गया सपोज के बाई फोर, राइट, कोई एक पॉइंट हो गया के बाई फोर। इसने बोला कि सिस्टम गेन की वैल्यू हम कितनी रखें कि सिस्टम स्टेबल रहे। सिस्टम स्टेबल के लिए हमें पता है कि माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि कौन से पॉइंट तो एनक्लोज्ड होंगे और कौन से पॉइंट एनक्लोज्ड नहीं होंगे। मैं इस पाथ डायरेक्शन पे चला, यही पाथ डायरेक्शन दी गई है, इस पाथ डायरेक्शन पर चला तो इसके राइट साइड में आने वाले पॉइंट तो एनक्लोज्ड हो जाएंगे, जबकि जो लेफ्ट साइड के पॉइंट होंगे वो नॉट एनक्लोज्ड होंगे। मतलब ये जो पॉइंट होंगे यहां, ये सारे के सारे पॉइंट नॉट एनक्लोज्ड हो जाएंगे। यदि मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें पता है कि माइनस वन प्लस जे जीरो जो पॉइंट है वो नॉट एनक्लोज्ड होना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ कि ये माइनस वन प्लस जो जे जीरो पॉइंट है ये यहां से यहां तक इस एक्सिस पर कहीं भी लाई कर सकता है। यदि ये कहीं भी लाई किया तो ये नॉट एनक्लोज्ड हो जाएगा, और यदि ये नॉट एनक्लोज्ड होगा तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। मीनिंग क्या हुआ, सपोज माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट यहां कहीं लाई करना स्टार्ट कर, ये यहां कहीं लाई करना स्टार्ट कर दिया, मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस वन प्लस जे जीरो का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, कम होना चाहिए। ये के बाई फोर यहां हो गया, माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट यहां हो गया, तो इस माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस के बाई फोर से कम होना चाहिए, तब जाके सिस्टम स्टेबल सिस्टम रहेगा। दैट मीन्स फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी के बाई जो फोर पॉइंट है इसका मैग्नीट्यूड वन से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। दैट मीन्स के जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन फोर। यदि के की वैल्यू फोर से ज्यादा होगी तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। मान लीजिए अब के लेस देन फोर हो गया, यदि के लेस देन फोर हो गया तो अब क्या सिस्टम स्टेबल रह पाएगा, अब सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स अब सिस्टम बन जाएगा अनस्टेबल सिस्टम। बात आई समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम पोलार प्लॉट की हेल्प से बता सकते हैं सिस्टम कब स्टेबल होगा और कब सिस्टम अनस्टेबल होगा। मान लीजिए आपको कोई एक एग्जांपल दिया गया है, सपोज इस तरह से कोई एक एग्जांपल दिया गया है, ये ओमेगा इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट हो गया ओमेगा इक्वल टू, इसने एक पॉइंट दे दिया माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट, ये यहां कहीं लाई कर रहा है। अब इसने पूछा है कि ये सिस्टम स्टेबल है या ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो हमें पता है सिस्टम स्टेबल तब होगा जबकि जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं हो। मैं इस पाथ ये पाथ डायरेक्शन दी गई है, मैं इस पाथ डायरेक्शन पर चलता हूं तो ये जो भी पॉइंट होंगे राइट साइड में ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट क्या हो गए एनक्लोज्ड पॉइंट। राइट साइड में आने वाले सभी पॉइंट एनक्लोज्ड हो जाएंगे, जबकि जो लेफ्ट साइड में पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे नॉट एनक्लोज्ड। माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, ये लेफ्ट साइड है। यदि लेफ्ट साइड में है दैट मीन्स ये क्या हो गए नॉट एनक्लोज्ड। और यदि सिस्टम की स्टेबिलिटी मुझे देखनी है तो जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहां से भी हमें पता लगा कि ये पॉइंट एनक्लोज्ड पॉइंट नहीं है, दैट मींस जो सिस्टम है वो क्या हो गया स्टेबल सिस्टम। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ
एंड क्लोज्ड की, राइट। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि भाई नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज पढ़ते हैं हम, एन, कैपिटल एन। दो तीन टर्म्स पढ़ते हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। एन होता है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, ठीक है, किसी पॉइंट के अराउंड कितने एनसर्कलमेंट बन रहे हैं वो कहलाता है एन। अब ये जो एनसर्कलमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, राइट। यदि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज है तो इनको हम लेते हैं पॉजिटिव में, और यदि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स नेगेटिव क्लॉकवाइज है तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव। बात आ रही समझ में। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी में हम दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है क्या, वो होता है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स। यदि एनसर्कलमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज है दैट मीन्स पॉजिटिव लेंगे, और यदि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स क्लॉकवाइज है तो वो लेंगे हम नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट हो गया सपोज बी, और ये डायरेक्शन दी हुई है यहाँ, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन दी गई है। तो अब इसने पूछा है कि ए पॉइंट के लिए नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे, बी पॉइंट के लिए नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे। तो एन के लिए यदि मैं बात करूं तो देखो एन पर क्या कोई एन सर्कलमेंट बन रहा है, क्या कोई सर्कल बन रहा है, कोई सर्कल नहीं बन रहा है, तो एन सर्कलमेंट्स की नंबर हो गया जीरो, कोई एन सर्कलमेंट्स नहीं है, राइट। यदि मैं पॉइंट बी के लिए बात करूं, पॉइंट बी के लिए बात करूं तो देखिए यहाँ एक एन सर्कलमेंट्स है, वो किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स बी पॉइंट के लिए जो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट है वो कितना हो गया, प्लस वन। बात आई समझ में। तो किसी पॉइंट के लिए एनसर्कलमेंट कैसे, जितने एनसर्कलमेंट्स हैं वो पॉजिटिव में है, क्लॉकवाइज में है और एंटी क्लॉकवाइज में है। यदि एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव ले लिया, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट था वन तो दैट इज प्लस वन। यहाँ कोई एनसर्कलमेंट नहीं है, दैट्स वाई दिस इज जीरो। बात आई समझ में। एक और देखूँ, यदि मैं एग्जाम्पल मान लीजिए पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये डायरेक्शन दी गई है इस तरह से। इसने पूछा है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट फॉर ए और नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट फॉर बी, राइट। तो देखिए ए पॉइंट पर हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। तो यहां देखिए दो एनसर्कलमेंट बन रहे हैं, एक तो ये एनसर्कलमेंट हो गया और एक ये एनसर्कलमेंट हो गया। तो दोनों ही कहां है, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों ही कहां हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होंगे तो इनको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, तो ये हो गया माइनस टू। दो एनसर्कलमेंट थे और दोनों ही चूंकि, तो ये हो गया माइनस टू। अब हम बी के लिए बात कर लेते हैं। बी के लिए यदि मैं बात करूं तो एक एनसर्कलमेंट तो इस तरह से है और एक एनसर्कलमेंट इस तरह से है, ये तो हो गया यहाँ इस तरह से, दूसरा हो गया इस तरह से, ये एनसर्कलमेंट, ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ये इस तरह से। तो एक तो क्लॉकवाइज में हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, तो नेट कितने हो गए, प्लस वन माइनस वन, दैट इज जीरो। तो B पॉइंट के लिए एनसर्कलमेंट कितने आ गए, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव में था और एक नेगेटिव में था, दैट्स व्हाई टोटल एनसर्कलमेंट्स अराउंड द पॉइंट B इज इक्वल टू जीरो। बात आई समझ में। तो एक तो चीज होती है एनसर्कलमेंट N, क्या होता है, एक टर्म आती है कैपिटल P, कैपिटल P क्या होता है, नंबर ऑफ, आपको कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है,
क्या उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके जो पोल होंगे वो आरएचपी में रहेंगे या एलएचपी में रहेंगे? आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया, उसको डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कीजिए, वहां से हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जो हैं वो कहाँ है, आरएचपी में है या एलएचपी में है। तो पी क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल इन आरएचपी, पी होता है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल इन आरएचपी। आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख के बता सकते हो कि कितने पोल आरएचपी में लाई करेंगे। एक टर्म और आती है, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स इन आरएचपी, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स इन आरएचपी। तो तीन टर्म हो गई, हम एक हमारे पास हो गया एन, एक हो गया पी और एक हो गया जेड। अब इस नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में एक फॉर्मूला आता है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड। मीनिंग क्या है इसका, कि नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे, ओपन लूप पोल्स इन आरएचपी माइनस क्लोज्ड लूप पोल इन आरएचपी। अब मान लीजिए आपको एक क्लोज्ड लूप सिस्टम, स्टेबल सिस्टम चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है वो यही है। यदि क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल सिस्टम चाहिए तो इसके जो पोल है वो कहां लाई करने चाहिए, एलएचपी के अंदर। क्या कोई पोल आरएचपी में लाई करता हुआ सिस्टम स्टेबल हो सकता है? सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो मेन क्राइटेरिया क्या हो गया, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, क्लोज लूप सिस्टम टू बी, यदि एक क्लोज लूप स्टेबल सिस्टम चाहिए तो जो कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड क्या था, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल इन आरएचपी। क्या कोई पोल आरएचपी में होना चाहिए? कोई पोल आरएचपी में नहीं होना चाहिए। दैट मींस जेड जो है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए यदि हमें क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल चाहिए। यदि जेड जीरो के बराबर हो गया, मतलब क्या हुआ, एन जो है उसकी वैल्यू पी के बराबर होनी चाहिए। यदि एन पी के बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम, क्योंकि इस दिस एट दिस टाइम नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल इन आरएचपी विल बी इक्वल टू जीरो। बात आई समझ में? पी क्या था, पी था ओपन लूप पोल इन आरएचपी, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल इन आरएचपी, मतलब जितने पोल आरएचपी में होंगे उतने क्या होने चाहिए, एन, एन क्या था, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, जितने पोल आरएचपी में होंगे, जितने ओपन लूप पोल आरएचपी में होंगे उतने ही एनसर्कलमेंट्स होने चाहिए। बात आई समझ में? अब देखिए, जो P है वो था नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। क्या ये नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो दो पोल होंगे, तीन पोल होंगे, पांच पोल होंगे, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यदि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव हुआ, दैट मींस जो एनसर्कलमेंट्स है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मींस एन जो है पॉजिटिव, एनसर्कलमेंट्स कब बनेंगे, जबकि एनसर्कलमेंट्स क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? यदि क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट्स हो गए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो एन जो है वो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट। तो यदि आपको सिस्टम स्टेबल चाहिए, दैट मींस जेड की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। एट दिस टाइम एन इक्वल टू पी होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, जो एन है नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट्स, नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट। बात आ रही है समझ में? मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपको क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल चाहिए तो उस समय
माइनस वन प्लस जे जीरो जो पॉइंट है उस पर एंटी क्लॉकवाइज जो एनसर्कलमेंट्स हैं उनकी संख्या नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स के बराबर होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए आपको दो ओपन लूप पोल दिए गए हैं जो कि कहां लाई कर रहे हैं, आरएचपी के अंदर। आरएचपी के अंदर दो ओपन लूप पोल है, दैट मींस पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसने पूछा है कि यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। तो हमें पता है कि यदि पी 2 के बराबर है, सिस्टम स्टेबल चाहिए, दैट मींस जेड कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यदि जेड 0 के बराबर होगा तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और यदि सिस्टम स्टेबल हो गया दैट मींस एन जो है वो पी के बराबर होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। दैट मींस जो एन है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 के बराबर। मतलब माइनस वन प्लस जे जीरो जो पॉइंट होगा उस पर एंटी क्लॉकवाइज जो एनसर्कलमेंट्स होंगे, नेट एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे, 2 के बराबर होंगे। यदि 2 के बराबर होंगे तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, n इज इक्वल टू p होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, क्योंकि एट दिस टाइम z वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। बात आई समझ में? अब हम आगे देखते हैं इसको किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस तरह से बताएंगे कि सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ इसने बोला है ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो इसने बोला है कि क्या कंडीशन होगी, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितने होंगे फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर द सिस्टम टू बी अनस्टेबल। बात आ रही है समझ में? पहली चीज, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। क्या इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि कितने पोल होंगे, यहाँ हमें 3 पोल मिलेंगे, राइट, एक यहाँ और एक यहाँ। क्या इन तीनों पोल में से कोई पोल आरएचपी में रहेगा, तो हमें पता है ये हो गया 0, राइट, यहाँ हमें मिलेगा माइनस है चूँकि इसने बोल दिया ए ग्रेटर देन 0, तो ये कहाँ रहेगा, एलएचपी के अंदर। यहाँ से मिला हमें माइनस बी, चूँकि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट भी हमें कहाँ मिलेगा, एलएचपी में। मतलब इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमें कोई भी पोल ऐसा नहीं मिला जो कि कहाँ लाई कर रहा है, आरएचपी के अंदर। यदि कोई पोल आरएचपी के अंदर नहीं है दैट मींस पी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर। बात आई समझ में? ठीक है, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, यदि मान लीजिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है इसका वो स्टेबल है, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, यदि सिस्टम स्टेबल होगा दैट मीन्स जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके ही हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम, क्योंकि उस समय कोई भी पोल आरएचपी के अंदर लाई नहीं करना चाहिए। अब हमें पता लगा कि एन जो है वो किसके बराबर होता है, पी माइनस जेड के बराबर है। यदि पी माइनस जेड के बराबर है तो पी हो गया 0, जेड हो गया 0, मतलब एन सर्कलमेंट्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 0, तब जाके सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। किस पॉइंट के रिगार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट के रिगार्डिंग, राइट। अब देखिए ये जो सिस्टम है ये आपने देखा होगा, ये हमने रूट लोकस में भी पढ़ा था, इसके लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि यदि जो गेन है के उसकी वैल्यू 0 से ए प्लस बी इंटू ए बी से कम है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। यही कंडीशन थी, यदि रूट लोकस याद है तो हम वहां से बता सकते हैं कि k की वैल्यू यदि 0 से a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर होगी तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम हुआ तो इसके जो क्लोज लूप पोल होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, एलएचपी के अंदर। मतलब आरएचपी में क्या कोई क्लोज लूप पोल रहेगा, कोई क्लोज लूप पोल आरएचपी के अंदर
नहीं रहेगा, मतलब जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर। कैपिटल जेड क्या था, ओपन लूप सॉरी क्लोज लूप पोल्स इन आरएचपी। तो हमें पता है जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, और इस सिस्टम स्टेबल जब रहेगा उस समय कोई भी पोल आरएचपी में नहीं रहेगा, दैट मीन्स कैपिटल जेड कितना होगा, जीरो। और इस कंडीशन पर जब कैपिटल जेड जीरो हो गया तो एन जो है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। बात आई समझ में? तो इस कंडीशन पर जब के एन की वैल्यू जीरो से ए प्लस बी इंटू ए बी के बीच रहेगी तो एन सर्कलमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी रहेगी, जीरो के बराबर, राइट। अब मान लीजिए जो गेन है के उसकी वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी से ज्यादा हो जाती, यदि गेन की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए बी से ज्यादा था, अनस्टेबल सिस्टम। यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाता था, दैट मीन जो पोल है वो कहां लाई करना स्टार्ट कर देते थे, आरएचपी के अंदर। और चूंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए कितने पोल आरएचपी के अंदर लाई करते थे, हमें पता है दो पोल आरएचपी में रहते थे और एक पोल रहता था एलएचपी के अंदर। दो पोल आरएचपी में और एक पोल एलएचपी के अंदर, मतलब क्लोज लूप पोल में से दो पोल आरएचपी के अंदर चले गए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टू के बराबर। कैपिटल जेड क्या था, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल इन आरएचपी। हमें पता है क्लोज लूप पोल कितने पहुंच गए आरएचपी में, दो के बराबर। तो अब हम यहां से देखते हैं कि यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो एन सर्कलमेंट्स की संख्या कितनी होगी, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड, राइट। P की वैल्यू थी मतलब माइनस टू, मतलब क्या हुआ, जो एन सर्कलमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, दो के बराबर होंगे, और ये क्लॉकवाइज होंगे और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। चूंकि ये नेगेटिव है, दैट मींस ये जो एन सर्कलमेंट्स होंगे वो क्लॉकवाइज में होंगे और इनकी संख्या कितनी रहेगी, दो के बराबर। इस समय ये जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम कंडीशन बता सकते हैं कि एन की कंडीशन क्या होगी, कब ये सिस्टम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल हुआ, और उस पर एन सर्कलमेंट्स की संख्या कितनी होगी। बात आई समझ में? और हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम मान लो आपको कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, k इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर अपॉन एस माइनस वन इंटू एस माइनस, ने पूछा है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होंगे जबकि सिस्टम स्टेबल रहेगा, और नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने रहेंगे जबकि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो क्या हम यहां से इस ओपन लूप सिस्टम से क्या हम बता सकते हैं कि कितने पोल ओपन लूप पोल्स आरएचपी के अंदर हैं? ठीक है, देखिए एस इज इक्वल टू पोल कितने मिलेंगे यहां से, एस इज इक्वल टू वन, एस इज इक्वल टू थ्री, दोनों ही पोल आरएचपी के अंदर चले गए, दैट मींस नंबर ऑफ पोल्स इन आरएचपी, दैट मींस कैपिटल पी इज इक्वल टू टू। बात आई समझ में? तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो कैपिटल पी है वो कितने हो गए, टू। हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू प्लस के इंटू, सॉरी दिस इज माइनस थ्री, एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस थ्री प्लस के इंटू एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा वन प्लस के इंटू एस स्क्वायर, यहाँ से दोनों से हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया सिक्स के माइनस फोर इंटू एस प्लस थ्री प्लस एट के इक्वल टू जीरो, राइट। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, राइट। तो हमें पता है, हमने रूट लोकस में देखा था, एक तो हम पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन और एक हम पढ़ते हैं सफिशियंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है कि सारे कोफिशियंट पॉजिटिव होने चाहिए, ये कोफिशियंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी कोफिशियंट मिस नहीं होना चाहिए। एस स्क्वायर भी है, एस भी है और
कॉन्स्टेंट भी है, कोई भी कोफिशियंट मिस नहीं होना चाहिए, और ये जो भी कोफिशियंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए वन प्लस के हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जे एन की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा रहेगी। थ्री प्लस एट के ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जे एन की वैल्यू जीरो से ज़्यादा रहेगी। सिक्स के माइनस फोर ये टर्म नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, यदि सिस्टम हमें स्टेबल चाहिए दैट मीन्स 6k माइनस 4 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स 6k ग्रेटर देन 4 और k ग्रेटर देन 2/3, मतलब जब k 2/3 से ज्यादा होगा तब सिस्टम स्टेबल सिस्टम रहेगा। यदि इस समय सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो जो पोल रहेंगे वो कहां लाई कर रहे होंगे, LHP के अंदर। यदि सारे के सारे पोल LHP में हैं तो क्या कोई RHP में पोल रहेगा? RHP में रहने वाले जो पोल हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? Z=0, राइट। Z=0 यदि हो गया तो अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितने होंगे। नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट होते हैं P माइनस Z, दैट इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आई है 2 के बराबर, 2 माइनस Z हो गया 0, दैट मीन्स 2। तो इस समय जब k की वैल्यू 2/3 से ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, कितने रहेंगे 2 के बराबर रहेंगे, तब जाके सिस्टम स्टेबल सिस्टम। बात आई समझ में? मान लीजिए k की वैल्यू लेस देन 2/3 हो गई, यदि k की वैल्यू लेस देन 2/3 हो गई तो क्या अब सिस्टम स्टेबल रह पाएगा? सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। और यदि ये सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, दैट मींस जो रूट है वो कहां लाई कर रहे होंगे, आरएचपी के अंदर। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कितने रूट आरएचपी में रहेंगे जब सिस्टम अनस्टेबल है? 2 रूट रहेंगे आरएचपी के अंदर। मतलब जो क्लोज्ड लूप पोल है इन आरएचपी, दैट मींस कैपिटल जेड, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर, 2 पोल रहेंगे आरएचपी के अंदर। यदि कैपिटल जेड इक्वल टू 2 हो गया तो अब हम एनसर्कलमेंट देखते हैं कि एनसर्कलमेंट कितने होंगे। एनसर्कलमेंट हो गए पी माइनस जेड, दैट इज 2 माइनस 2, पी दिया था 2 के बराबर, जेड भी आया 2, दैट मींस एन जो है वो कितना होगा 0 के बराबर। इस समय कोई भी एनसर्कलमेंट्स नहीं होने चाहिए, नेट एनसर्कलमेंट्स 0 होने चाहिए, तब जाके सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यहां सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, और यदि के लेस देन 2/3 हो गया, ग्रेटर देन 2/3 हो गया, तो अब सिस्टम हो जाएगा स्टेबल और इन सर्कलमेंट्स हो जाएंगे 2 के बराबर। बात आई समझ में? हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए एक और एग्जांपल, आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है k इनटू s प्लस 2 इनटू s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर इनटू सपोज s प्लस, राइट। इसने पूछा है यदि सिस्टम स्टेबल है तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितने होंगे, अनस्टेबल है तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितने होंगे। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो ओपन लूप पोल हैं जो कि आरएचपी के अंदर है कितने हैं 0, कोई भी पोल आरएचपी के अंदर नहीं है, पी इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ -1 मिलेगा, तो कोई भी ओपन लूप पोल आरएचपी में नहीं है, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 प्लस के इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूँ, यदि मैं एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस के इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं एस क्यूब प्लस 1 प्लस के इंटू एस स्क्वायर प्लस 5k इंटू एस प्लस 6k इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? एस क्यूब आ गया, एस स्क्वायर आ गया, के एस स्क्वायर आ गया, के एस स्क्वायर आ गया, 5k एस आ गया और 6k आ गया। हम सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती हैं कि जो कोफिशियंट हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए एस क्यूब का कोफिशियंट पॉजिटिव है, 1 प्लस के एस स्क्वायर का कोफिशियंट के हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सारे कोफिशियंट पॉजिटिव हैं, राइट, नेसेसरी कंडीशन। इसके बाद दूसरी नेसेसरी कंडीशन, जो भी सारे प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, एस क्यूब भी है, एस स्क्वायर भी है,
आप देखिए यहाँ एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ये। इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम में हम सफिशियंट कंडीशंस और चेक करते हैं। सफिशियंट कंडीशन थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें पता है कि जो b इंटू सी है दैट शुड बी इक्वल टू दैट शुड बी ग्रेटर देन a इंटू d। b c की वैल्यू a d से ज़्यादा होना चाहिए। b क्या होता है s स्क्वायर का कोफिशियंट, c क्या होता है s का कोफिशियंट, a क्या होता है कॉन्स्टेंट और k d क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म। दैट मीन्स b इंटू सी की यदि मैं बात करूँ 1 प्लस k इंटू c हो गया 5k, दैट शुड बी ग्रेटर दैन a हो गया 1 इंटू d हो गया 6k के बराबर, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया 1 प्लस k इंटू 5k ग्रेटर दैन फॉर द सिस्टम स्टेबल। राइट, 1 प्लस के इंटू 5 के शुड बी ग्रेटर देन 6 के, के के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस के इज ग्रेटर देन 6 बाई 5 और के ग्रेटर देन 6 बाई 5 माइनस 1 के ग्रेटर देन, इसको हमने एलसीएम ले लिया, ये बच गया 1 बाई 5। मतलब जब के की वैल्यू 1 बाई 5 से ज़्यादा होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम। यदि सिस्टम स्टेबल हुआ तो क्या कोई क्लोज लूप पोल आरएचपी में रहेगा, कोई क्लोज लूप पोल आर के सारे पोल एलएचपी के अंदर रहेंगे। दैट मींस जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड इक्वल टू जीरो। यदि जेड जीरो के बराबर हो गया तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज पी माइनस जेड। पी कितना हो गया, जीरो के बराबर, यहाँ कोई पी नहीं है, दैट मीन्स जीरो माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स कितने होने चाहिए, जीरो के बराबर फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, राइट। अब मान लीजिए के की वैल्यू लेस देन फाइव हो जाती है, इफ k is less than 1 by 5, यदि k की वैल्यू 1 by 5 से कम हो गई तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम, राइट। यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां रहेंगे, रूट रहेंगे RHP के अंदर। अब चूंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है कितने रूट RHP के अंदर रहेंगे, दो रूट RHP के अंदर रहेंगे और एक रूट LHP के अंदर रहेगा। टू पोल इन RHP और वन पोल इन LHP, मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू इस समय कितनी हो गई, टू, क्योंकि दो पोल RHP के अंदर चले गए। यदि कैपिटल जेड टू हो गया दैट मीन्स जो अब नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे, P माइनस जेड दैट इज जीरो माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस टू। मतलब इस समय जो इनसर्कलमेंट्स हैं वो कितने होंगे, माइनस टू के बराबर, मतलब क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट्स बनेंगे और कितने बनेंगे, दो क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट्स बनेंगे। बात आई समझ में, तो इस तरह से हम बता सकते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी से कि किस तरह से एनसर्कलमेंट्स की संख्या हम प्राप्त करते हैं। बात आई समझ में, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आपको एक नाइक्विस्ट प्लॉट दिया गया है, राइट। यह आपको कोई एक नाइक्विस्ट प्लॉट दिया है, इसने बोला है कि कोई भी ओपन लूप पोल्स आरएचपी में नहीं है, स्टार्टिंग में कोई भी पोल आरएचपी में नहीं है, ओपन लूप पोल्स, दैट मीन्स पी क्या है, जीरो। हमने गेन की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया कि सबसे पहले जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है, माइनस वन प्लस जे जीरो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट ए पर लाई करता है, इसके बाद में ये जो पॉइंट है माइनस वन प्लस जे जीरो वो यहाँ बी पॉइंट पर लाई करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो अब हमें ये बताना है कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही है, मतलब हमें ये बताना है कि ए पॉइंट पर सिस्टम स्टेबल है, बी पॉइंट पर सिस्टम स्टेबल है, या ए पॉइंट पर सिस्टम अनस्टेबल है, बी पॉइंट पर भी सिस्टम अनस्टेबल है, ए पर स्टेबल है बी पर अनस्टेबल है, या ए पर अनस्टेबल है और बी पर स्टेबल सिस्टम। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है कि भाई गेन की वैल्यू को मैं किस तरह से, मैंने जैसे जैसे गेन को बढ़ाया तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, मतलब ये सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज हो रहा है या अनस्टेबल से स्टेबल में चेंज हो रहा है, या स्टेबल टू स्टेबल ही रह रहा है या अनस्टेबल टू अनस्टेबल ही रह रहा है। बात आई समझ में, तो हमें पता है कि जब ओपन लूप पोल्स पी इज इक्वल टू जीरो है, हमें पता है कि यदि सिस्टम स्टेबल चाहिए तो जो कैपिटल जेड है उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, जेड इक्वल टू जीरो, तब हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम रहेगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि यहां माइनस जो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स कितने हैं। यदि मैं इस ए पॉइंट पर नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स देखूं तो हमें पता लगा एक यहां इनसर्कलमेंट है और एक इनसर्कलमेंट ये है, दैट मींस यहां दो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स हैं। और ये जो दोनों है नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स हैं, ये क्या है, क्लॉकवाइज में है, मतलब एन इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टू। बात आ रही है समझ में। एन यदि माइनस टू के बराबर है तो अब जेड हम यहां से किस तरह से निकाले, 4.a जेड कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड होता है, राइट, पी माइनस जेड हो गया, जेड की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस एन के बराबर, पी कितना हो गया जीरो, माइनस एन कितना हो गया माइनस टू, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई टू के बराबर। मतलब जब गेन हमने इतना किया कि ये जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है ये ए पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इस समय जो जेड है वो कितना हो गया टू के बराबर। जेड क्या था, क्लोज लूप पोल्स इन आरएचपी, मतलब दो पोल कहां लाई कर रहे हैं, आरएचपी के अंदर, राइट। यदि दो पोल आरएचपी के अंदर लाई कर रहे हैं तो इस समय सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। बात आई समझ में। तो सबसे पहले जब हमने गेन को बढ़ाया, सबसे पहले जब गेन पॉइंट जो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो ए पॉइंट पर था, तो उस समय हमें पता लगा कि इस समय सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। अब हमने गेन की वैल्यू को बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट है वो कहां गया, पॉइंट नंबर बी पर। इसके लिए अब यदि हम पॉइंट नंबर बी के लिए यदि हम नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट देखें तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब एक तो हो गया इस तरह से और एक हो गया इस तरह से, सॉरी एक हो गया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो गया और ये हो गया इस तरह से, तो ना दो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट हो गए। लेकिन ये दोनों में से एक तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज और एक हो गया क्लॉकवाइज, तो टोटल नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितने हो गए, प्लस वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। यदि n की वैल्यू जीरो है तो अब हम पता कर लेते हैं z कितना था इस पॉइंट पर। z हमें पता है क्या होता है, z होता है p माइनस n के बराबर, p कितना है जीरो, माइनस n कितना आया जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब पॉइंट b पर कोई भी क्लोज लूप पोल RHP के अंदर लाई नहीं कर रहा। यदि हमें सिस्टम स्टेबल चाहिए तो हमें पता है कोई भी पोल RHP के अंदर नहीं होना चाहिए, पॉइंट पी पर भी कोई भी पॉइंट आरएचपी के अंदर नहीं आया, इसका मतलब सिस्टम यहां क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम। बात आई इसमें समझ में। मतलब जब हमने गेन को बढ़ाया, गेन को बढ़ाते बढ़ाते जब गेन को इंक्रीज किया तो जो पॉइंट है वो ए से कहां आ गया बी पर, मतलब सिस्टम अनस्टेबल से कहां पहुंच चुका है, अब स्टेबल सिस्टम पर। बात आई समझ में। तो इस तरह से यदि आपको नाइक्विस्ट प्लॉट दिया गया है तो हम वहां से बता सकते हैं कि कब सिस्टम स्टेबल रहेगा, कब सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, ठीक है।